अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है सहेब हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक दस मरले का बहुत ही खूबसूरत घर लेकर हाजिर हुआ हूँ ये घर लाहौर स्टेट लाइफ सोसाइटी में मौजूद है इस घर का फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं बहुत ही ख़ूबसूरत पूरे फ्रंट एलिवेशन पे टाइल लगाई गई है और इस घर का अंदर से नक्शा और ख़ूबसूरत इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त है तो आप लोगों को पूरा घर अंदर से विज़िट करवाते हैं और इस घर का नक्शा भी देखते हैं जी तो हम गैराज से घर के अंदर एंटर हो रहे हैं ये हमारा सारा गैराज का एरिया है जहाँ पे दो से तीन गाड़ियाँ आसानी के साथ खड़ी हो सकती हैं और ये फ्रंट पे आप देख सकते हैं लॉन ये भी ओपन एरिया है यहाँ पर भी आप लोग अपनी गाड़ी या बाइक्स वगैरह लगा सकते हैं और ये फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं लाइट और डार्क कलर की टाइल के साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है अभी घर के अंदर एंटर होते हैं स्टेज लॉबी से जी तो ये मेन एंट्रेंस है अभी हम लॉबी में एंटर हो चुके हैं नीचे करारा वाइट टाइल सामने खूबसूरत वॉलपेपर लगाया गया है ये आप लोगों को ड्राइंग रूम का दरवाज़ा सामने मेन एंट्रेंस टी वी लॉन्च की और ये आप लोगों की स्टेज जा रही है आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर को बाद में विज़िट करते हैं पहले ग्राउंड फ्लोर को देख लेते हैं ये नीचे स्टेज के नीचे पाउडर रूम भी बनाया गया जी तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर के टी वी लॉन्च में आ चुके हैं सामने खूबसूरत मीडिया वॉल है ज़बरदस्त वाल पेपर लगाया गया है फेनूस लगाया गया है खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन इस घर में पंखे भी आपको इंस्टॉल मिलेंगे नीचे करारा वाइट टाइल करारा वाइट बॉर्डर के साथ नीचे इसके दो बेडरूम्स हैं ऊपर भी इसके तीन बेडरूम्स हैं और ये है जी ओपन ड्राइंग रूम टी वी के साथ सामने खूबसूरत आप देख सकते हैं विंडो सीलिंग डिज़ाइन और इस तरफ ख़ूबसूरत वाल पेपर लगाया गया दीवार के ऊपर जी तो ये ड्राइंग रूम को ओपन रखा गया है टी वी के साथ और ये मेरे राइट साइड पे किचन है पहले किचन को विजिट कर लेते हैं फिर बेडरूम्स को एंटर आ, बेडरूम्स में एंटर होते हैं जी तो यह देख सकते हैं खूबसूरत किचन ट्रॉपिकल ग्रे नाइट लगाया गया है काउंटर टॉप पे ब्लैक कलर की यूवी की शीट्स इस्तेमाल की गई हैं बहुत ही खूबसूरत किचन रेडी किया गया है ब्लैक एंड वाइट टाइल्स भी लगाई गई हैं अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के आ, बेडरूम में जी तो अभी हम फर्स्ट बेडरूम में एंटर हो चुके हैं सामने खूबसूरत विंडो खूबसूरत वाल पेपर और अलमारी बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रास्ट किया गया सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं नीचे करारा वाली टाइल और ये सामने बड़ी सारी अलमारी है जिसमें आप लोग अपना काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं जी तो ये है अलमारी अलमारी के ऊपर भी यू की शीट्स इस्तेमाल की गई हैं बेडरूम के साथ ही अटैच वाशरूम है वाशरूम में ख़ूबसूरत वेंटी और टाइल्स देख रहे हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त लाइट और डाल कल, डार डार्क कलर में कमोड और शॉवर वगैरह इंस्टॉल किया गया अभी चलते हैं इस घर के सेकंड बेडरूम की जानबी ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ इस घर की डिमांड की है मालिक ने दो करोड़ चालीस लाख रुपए दस मरला पैंतीस पैंसठ प्लाट का साइज़ है जी तो ये है दूसरा बेडरूम बेडरूम की कैबिनेट्स जी तो इसके साथ भी अटैच वाशरूम है वाशरूम को देख लेते हैं जी तो वाशरूम में खूबसूरत कमोड वेंटी जबरदस्त टाइल्स लगाई गई हैं बहुत ही आ, सिंपल डिसेंट एंड लग्जरी काम किया गया है अभी चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की जानब और फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं साथ साथ आप लोग नक्शे को भी देखते जाइए नीचे दो बेडरूम सी वी लाउंज ड्राइंग रूम लॉबी है पाउडर रूम है इसके अलावा बड़ा सारा गैराज है ओपन एरिया है हर बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम है जी तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर की जानब जा रहे हैं स्टेज पे ट्रॉपिकल ग्रेन ग्रे नाइट लगाया गया है अगर आप लोग अपना घर बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप लोग हमसे रबता कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं लाहौर में जी तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में आ चुके हैं सामने खूबसूरत वाल लगाया गया है और अभी हम एंटर होंगे फर्स्ट फ्लोर के टी वी में सामने खूबसूरत मीडिया वाल खूबसूरत फनूस इंस्टॉल किया गया है। ऊपर इसके तीन बेडरूम्स हैं ये है जी फर्स्ट बेडरूम जो कि फ्रंट पे आता है सामने खूबसूरत आप देख सकते हैं विंडो बहुत ही प्यारा सीलिंग डिज़ाइन जिसमें आप लोगों को लाइट्स भी नजर आ रही होंगी ज़बरदस्त वाल पेपर हर बेडरूम में ज़बरदस्त कैबिनेट्स बनाई गई हैं जी तो कैबिनेट्स खोल खोल के भी आप लोगों को दिखा दें काफ़ी खुली कैबिनेट्स हैं जिसमें आप लोग अपना काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं हर बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम है सामने आप देख रहे हैं ज़बरदस्त वेंटी करारा वाइट टाइल्स लगाई गई हैं कमोड इंस्टॉल किया गया अभी चलते हैं जी दूसरे बेडरूम की जानीब जी तो ऊपर इसका टेरेस भी है और ये है जी सेकंड बेडरूम नीचे करारा वाइट टाइल सामने खूबसूरत वाल पेपर सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं सीलिंग डिज़ाइन पे भी वाल पेपर लगाया गया सामने सा, है सामने कैबिनेट्स है ये एलईडी पॉइंट है बेडरूम में सामने अटैच वाशरूम है जी तो ये है वाशरूम वाशरूम में ख़ूबसूरत वैनिटी लगाई गई है टाइल्स और कमोड बहुत ही ज़बरदस्त घर है बहुत ही डीसेंट सा घर है और नक्शा इस घर का आ, बहुत अच्छा है अगर आप लोग भी अपने घर में ये नक्शा एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं जी तो यह है थर्ड बेडरूम हर बेडरूम में वाल पेपर पंखे खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन अटैच वाशरूम एल ई डी पॉइंट कैबिनेट्स खिड़की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है जी तो सामने आप लोगों को आ, कैबिनेट्स नज़र आ रही होंगी अटैच वाशरूम है वाशरूम को भी देख लेते हैं जी तो ये हर वाशरूम में वेंटी बनाई गई है बहुत ही ज़बरदस्त और हर वाशरूम में कमोड इंस्टॉल किया गया जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो दस मरला घर के ऊपर उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर का किचन ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे खूबसूरत किचन बनाया गया छोटा सा तो ये है जी किचन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़